किसान आंदोलन की सफलता के बाद भले ही किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया था कि वो चुनाव रण में नहीं उतरेंगे, लेकिन इसके बावजूद सियासी गलियारों में टिकैत की चुनाव रण में उतरने की अफवाहें तेज थी, जिस पर अब राकेश टिकैत ने विराम लगा दिया है। बीते रोज राजनीतिक मोर्चा बनाने वाली किसान संगठनों से दूरी बनाते हुए टिकैत ने मीडिया से बातचीत में ये साफ कर दिया है, चुनावी मैदान में उतरने वाले किसान संगठनों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, साथ ही किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। यही नहीं, जयपुर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने आए टिकैत ने आगे अपने बयान में कहा, किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर सरकार किसान का हक अनसुना करेगी तो पूरे देश में किसान आंदोलन फिर होगा। किसान किंग नहीं, किंग मेकर होते हैं, लोगों के हित के लिए आंदोलन होता रहना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर हमला बोला और किसानों के मांगों की अनदेखी करने की बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 3 कानून ही रद्द किए हैं, किसान संगठनों की अन्य मांग बरकरार है, मोदी सरकार को अन्य मांगों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, आंदोलन के लिए हमने किसी राजनीतिक दल से मदद नहीं मांगी, करीब 1 साल तक आंदोलन चला था, आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं चला, किसानों की एकता की वजह से मोदी सरकार को झुकना पड़ा। दूसरी ओर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए टिकैत ने दावा किया कि यूपी विधानसभा में राज्य का किसान उसी को वोट देगा जो उसे फायदा देगा, योगी सरकार ने भी किसानों की मांग की अनदेखी की है, यूपी का किसान योगी सरकार से नाराज है, इसलिए यूपी का किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा, यूपी में बीजेपी की हार तय है। बता दें कि किसानों के 22 संगठनों ने बीते शनिवार को पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है, साथ ही इन संगठनों ने साथ आकर संयुक्त समाज मोर्चा नाम के एक चुनावी संगठन भी लॉन्च कर दिया है। संगठन लॉन्च करते हुए इस संगठन का कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा राज्य की सभी 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं इसी ऐलान के बाद से ही एक बार फिर टिकैत के चुनावी रण में उतरने का क्यास लगाया जाने लगा था, जिस पर टिकैत ने विराम लगा दिया है।